हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल दो ऑप्शन 10 पे स्वागत करता हूं। यहां पे आपको डेली इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन की वीडियोस मिलेंगी जिससे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प होगी। तो ये एक्सपायरी व्यू एनालिसिस है कि एक्सपायरी में कैसे ऑप्शन ट्रेड करते हैं और उनकी वैल्यू जीरो क्यों हो जाती है और कुछ की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होती। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निफ्टी है, ये मैंने अराउंड दो पुट आट कर रखी है और दो कॉल आट कर रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है, ठीक है, और जो दो की जो वैल्यू है वो अराउंड कुछ ना कुछ इसने रिटेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अब आई वुड आस्क ए क्वेश्चन कि यहाँ पे वैल्यू जीरो क्यों हुई है और यहाँ पे वैल्यू रिटेन क्यों हुई है। पहली चीज़, 11,000 का जो पुट है वो क्या कहता है, द वैल्यू शुड बी बिलो 11,000 और ये जो क्लोजिंग आई निफ्टी की 980 है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में डिफरेंस 11,000 और 980 के बीच में 20 पॉइंट्स का, तो अराउंड स्प्रेड हटा के मैं इसको अराउंड मार्केट डेप दिखाता हूँ, दैट इज़ क्लोज टू 20, ठीक है। तो इसने अराउंड 20 का प्राइस दिया। ऑन द अदर हैंड 11,950 की जो कॉल, 10,950 की जो कॉल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अराउंड जो स्प्रेड हटा के दैट इज़ क्लोज टू 30 पॉइंट का डिफरेंस है 950 और 980 में, ठीक है। तो दैट इज़ इट रिटेन्स द वैल्यू ऑफ 25। ऑन द अदर हैंड ये दोनों वैल्यू जीरो क्यों हो गई, 10,950 के पुट का मतलब क्या है, द प्राइस शुड क्लोज बिलो द 10,950 क्योंकि ये पुट है। ऑन द अदर हैंड 11,000 की कॉल का मतलब क्या है, द प्राइस शुड क्लोज अबव 11,000 और ये दोनों ही चीज़ नहीं हुई और प्राइस जो है इसके बीच में क्लोज हुआ, ठीक है। तो 10,950 का जो पुट है वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। हमने एक्सपेक्ट किया था अगर हम 950 का पुट बाय कर रहे हैं द प्राइस शुड स्टे बिलो 10,950, बट ये नहीं हुआ और 10,980 पे क्लोजिंग आई, तो हमारी इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो गई। ऑन द अदर हैंड जो 11,000 की कॉल थी, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो वैल्यू है वो 11,000 के ऊपर है, वो भी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो गई। ऑन द अदर हैंड ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड थी, तो इसमें जो स्प्रेड हटा के जो भी वैल्यू आई हमारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई एक बार चार्ट देखते हैं, चार्ट देख के एनालाइज करते हैं क्या हुआ। देख सकते हैं, लेट सी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं एट 124। तो आप देख सकते हैं 124 पे ये निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 10,984, उसके बाद निफ्टी गिरा नो 100 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं जो 10,950 का पुट था वो कैसे 124 से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट वॉज ट्रेडिंग बिटवीन 5 और 6 और ये 70 पहुंच गया, ठीक है। अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि क्योंकि एक्सपायरी में बहुत जल्दी और स्टीप फास्ट मूवमेंट होती है, क्योंकि हम निफ्टी में देख सकते हैं कैसे इतना गिरा, अराउंड ये गिरा है 124 से लेकर के और ये 3 o'clock तक गिरा है, हाँ, या 3 o'clock तक गिरा है, 3 o'clock तक नहीं, तो हम अराउंड 1 hour 20 minutes जिसने फॉल किया और अराउंड इसने हाफ एन आवर में ही इसको रिकवर कर दिया, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था उसके बाद, क्योंकि मार्केट क्लोज होने में अराउंड 20 मिनट्स ही थे, 5-5, 3-3 मिनट्स ही हैंडल है, अराउंड 12-15 मिनट्स से, और कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और 950 से नीचे जाएगा। तो जो आप देख सकते हैं 10,950 की जो पुट थी वो एकदम जीरो हो गई। क्यों 77, अगर आप यहाँ पे भी आप सोच रहे हैं कि अभी 77 है 100 चली जाएगी तब एग्जिट कर देंगे, तो नो, क्यों, अगर आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप नहीं बुक करोगे तो आपको उसमें लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई और ये 950 के ऊपर क्लोजिंग दे गया, 10,950 का जो पुट आपने बाय कर रखा उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये आपकी वैल्यू जीरो कर देगा, क्योंकि उसके बाद तो एक्सपायरी, वंस द आंसर शीट इज गॉन टू द टीचर, आप उसके बाद उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक्सपायरी इज दैट पॉइंट दैट यू हैव टू एग्जिट एट एनी पोजिशन, जो भी आपको एग्जिट करना है उसके बाद यू कैन नॉट राइट एनी थिंग, यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट बाय, ठीक है। एक्सपायरी मीन्स द मार्केट इज क्लोज्ड, अब आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब इसको आप कैरी भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये पोजीशन एंड हो गई। अब ये एक्सपायरी का डेटा हमें दोबारा नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ डेटा मिल सकता है एनालिसिस से, हमें चार्ट्स नहीं मिल सकता है, तो दैट इज़ द थिंग। अब ऑन द अदर हैंड 11,000 की कॉल है, देखते हैं 11,000 की कॉल में क्या हुआ। अब देखते हैं 11,000 की कॉल जो है, मार्केट जो है पहले गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ 11,000 की कॉल में हुआ क्या होगा। देख सकते हैं अब यहाँ पे 11,000 की कॉल है, ठीक है, मार्केट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप 11,000 के ऊपर 11,004 तक गया है, टाइम देख रहे हैं आप, ये 312 है, आप नीचे यहाँ आप टाइम देखिए 312 है, 312 पे जो मार्केट था 11,004 तक गया और उसके 5 मिनट वहाँ पे रहा, उसके बाद नीचे गिर गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं 11,000 की कॉल में हुआ क्या होगा। ये देख रहे हैं आप, इट वॉज ट्रेडिंग एट 0.10, कहाँ चला गया प्राइस 2, क्यों, क्योंकि चांसेस थे, बिकॉज मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव 11,000 की, हाँ 11,000 के ऊपर रहेगा, बट मार्केट वहाँ से गिर गया तो जो 2 की वैल्यू थी तुरंत यहाँ पे जीरो हो गई। अब आप यहाँ पे सोचिए, बात करते हैं कि अभी 2 आया, अभी तो 10 आ जाएगा, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ पुट एंड कॉल। आइए देखते हैं कि ऑन द एक्सपायरी डेट, क्योंकि एक्सपायरी में इन द एंड अगर आप गलत साइड पर खड़े हो तो वैल्यू जीरो हो ही जाएगी, नो वन कैन स्टॉप इट। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी में कौन सी क्या क्लोजिंग आई देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में सेम फॉल हुई निफ्टी की तरह, इट वेंट डाउन, तो आप देख सकते हैं जो 20,500 का पुट है उसके हिसाब से थिंग्स वर गुड कि हाँ भाई 20,500 का जो पुट है उसके नीचे प्राइस रहा 20,367, तो ऑप्शन कैलकुलेटर के हिसाब से कुछ भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई होगी स्प्रेड माइनस करके, तो इट वॉज ट्रेडिंग गुड कि हाँ भाई 20,500 के नीचे है वैल्यू, हाँ भाई ठीक है, ओके इट इज़ गुड, तो हमारी जो क्लोजिंग आएगी वो अराउंड कुछ अराउंड रुपीज़ में आएगी, 98 आई है यहाँ पे क्लोजिंग। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते 20,300 का पुट, इसमें क्या एक्सपेक्टेड था हमें कि हमारी जो प्राइस है, जैसे आप 20,300 का पुट देख रहे हैं, इसमें हमें ये एक्सपेक्टेड था कि प्राइस जो है 20,300 के नीचे रहे, बट ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो जो हमारी जो पुट की वैल्यू है वो जीरो हो गई।
ऑन द अदर हैंड अब हम दिखाते हैं आपको 28,400 की कॉल। आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट कितना गया है एट सेम टाइम एट 312 मार्केट गया है अराउंड 28,436। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 28,436 में हुआ क्या होगा। तो एट हम 28,400 की कॉल खोलते हैं, ठीक है 28,400 की कॉल आप देखिए एट द सेम टाइम, ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे एट 312 ये जो अराउंड 0.80 पैसा चली थी 6 रुपीज़ चली गई, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट वहाँ पर रिटेन नहीं कर पाया, फिर ये गिर के जीरो आ गई। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और मार्केट बंद होने में, अगर ये सेम चीज़ अगर ये क्लोजिंग आती 28,430 या 440 पे क्लोजिंग आती तो ये 0.5 ना रहती, ये अराउंड 3-4 ऐसे रुपीज़ रहती। ऑन द अदर हैंड 28,400 का पुट है, ये कुछ ऑप्शंस कैलकुलेट करने पे देख सकते हैं इसने भी यहाँ पे अराउंड से क्लोजिंग दी, बट वेन द मार्केट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, ठीक है तो उसमें वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा हमें एक पुल बैक दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये तुरंत अराउंड वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे अराउंड 2 वैल्यू दिखा रहा हूँ, वही मैं कह रहा था कि अगर ये अराउंड 30-40 भी रहती तो अराउंड ये 2 या 3, अगर ये 28,430-440 रहती तो 28,400 की जो कॉल थी उसमें अराउंड 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ का यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रहा होता। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हुई है 28,400 की कॉल, क्यों जीरो हुई है? क्योंकि जो पुट था जो सॉरी निफ्टी बैंक था वो 28,367 के ऊपर क्लोज हुआ। कॉल क्या था? कॉल हमें जो कह रहा था 28,300 की कॉल, द प्राइस शुड क्लोज अबव 28,300 क्योंकि उसकी कॉल थी और ये उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, तो आर कंडीशन वॉज ट्रू। ऑन द अदर हैंड 28,300 की जो पुट थी उसके जो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई क्योंकि उसके नीचे क्लोज होना चाहिए था और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो उसने हमारी पूरी वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दी। तो दैट इज़ वाई आई एडवाइस एक्सपायरी कि आप लेस क्वांटिटीज से ट्रेड करिए और जल्दी अपना जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके निकलिए, क्योंकि इन द अदर हैंड मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया, ये अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स में यहाँ पे नीचे गिरा और उसने हाफ एन आवर में इसको रिकवर कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जो पुट है और कॉल की वैल्यू डिक्लाइन हुई। आप देख सकते हैं 70 गई, ठीक है आप देख सकते हैं ये 248 पे 70 है और आप देख सकते हैं जीरो यहाँ पे हो गए 312 पे अराउंड 20 मिनट्स, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, हाँ या 20 मिनट्स में इसकी वैल्यू जीरो हो गई और इसने टाइम कितना लिया ऊपर जाने में? अराउंड 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स में, और ऊपर गया हाई लगाया उसने 77 का, उसके बाद ही तुरंत वैल्यू जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन दिया और बहुत फास्ट मूवमेंट दी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम जाना भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे प्राइवेटली ऑन माई टेलीग्राम कॉन्टैक्ट आप उससे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।